बिहार में जनता दल यूनाइटेड पुराना जनता परिवार को एक साथ मिलाने के मुहिम लेकर चले थे, कुछ ही महीनों से चर्चा कर रहे थे हम जनता दल यूनाइटेड और राजद को कंबाइन करके एक जनता दल पूर्व जनता दल के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो देखा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड में ही फूट पड़ गई है और ये जनता दल यूनाइटेड कम और जनता दल यूनाइटेड डिवाइडेड ज़्यादा लग रही है आज। उनको अपने नाम को भी बदलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो परिणाम जो हो रहे हैं इसको गौर से देख रही है और ये सारा जो नीतीश कुमार जी की उनकी पर्सनल आकांक्षा के कारण महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है। जनता बिहार की जनता को इस प्रकार एक राजनीतिक अनिश्चितता में इंस्टेबिलिटी में भारतीय जनता दल यूनाइटेड ने एक तरफ से उसमें दखल दिया है। इसके लिए पूरी तरह नीतीश कुमार जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने ही मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे लोकसभा चुनावों के पश्चात और एक दलित चीफ मिनिस्टर को आज उनके पद से हटाने की कोशिश करके एक एंटी दलित इमेज नीतीश कुमार अपने साथ लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूं बिहार की जनता जो गतिविधियां हो रही है बिहार में इसको लेकर काफी परेशान है और जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सारे परिणाम को देख रही है और बिहार जनता के हित में जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी उसी तरफ अपना कदम उठाएगी। बिहार के जो हालात हैं बीजेपी के हटने के बाद से हालात तो ठीक नहीं है विकास के लिए, क्योंकि जो आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, हमने तो नीतीश कुमार जी को रिजाइन करने को नहीं बोला था, बीजेपी ने तो नहीं कहा था कि मांझी जी को बना, मांझी जी खास करके उनके खासम खास लोगों में थे और वो महादलित का राग भी अलाप रहे थे, तो इस इंटेंशन से उन्होंने बनाया। चूंकि मांझी जी कांग्रेस में भी मंत्री रह चुके थे सीनियर नेता, तो ये जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को जिनको आप बनाए आप प्रोटेक्ट उनको नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ आप ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। अगर किसी ने मांझी जी के खिलाफ लॉबिंग की है जेडीयू में तो उसके सूत्रधार है नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी बार बार एक कवायद करते हैं, रिजाइन करेंगे या फिर उसी पद पर जाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। नीतीश जी सुनते नहीं थे। अब नीतीश जी की परेशानी ये बढ़ गई कि उनके ही विधायक दल में उनके मंत्रिमंडल में मांझी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर होने लगे। अब नीतीश जी को यह बात नहीं सुहाती है कि उनके रहते कोई ज्यादा पॉपुलर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जब समय आएगा और जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर अनुरोध करते हैं आग्रह करते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सारी परिस्थितियों के आधार पर अपना निर्णय लेगी।